अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखिए आज हमने बनाया है रोटी रखने का कवर। इसमें रोटियाँ काफ़ी देर तक गर्म रहती हैं और हमारा ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने ये कपड़ा लिया है, इसके बीच में हमने फॉर्म डाली है, नीचे लाइनिंग लगाकर हमने इसकी कुल्टिंग कर ली है। देखिए हमने चार पीस लिए हैं, ये भी हमने रेडी कर लिए हैं। देखिए हमने स्क्वायर में पीस लिया है, इसके हमने लिए हैं 13 इंच, दोनों साइड से हमारा 13-13 इंच है। देखिए ये छोटा वाला जो पीस है इसका भी नाप हम बता देते हैं आपको। देखिए ये लिया है हमने 7.5 इंच। देखिए ये दोनों साइड से हमारा 7.5 इंच है, हमारी चारों साइड बराबर है। देखिए अब इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक गोल शेप में हमें इसको ड्रॉ कर लेना है। देखिए जहाँ से हमने इसको ड्रॉ करा है यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे। देखिए हमने इसको गोल शेप में कट कर लिया है। दूसरे कपड़े को हम बिल्कुल बराबर से फोल्ड करेंगे और इसको इसके ऊपर रख कर ड्रॉ कर लेंगे और इसको भी हम इस तरीके से काट लेंगे। देखिए हमने दूसरा पीस भी कट कर लिया है, इसी तरीके से हमें चारों पीसों को कट कर लेना है। देखिए हमने चारों पीस अपने कट कर लिए हैं। देखिए अब हमें यहाँ पर पाइपिंग लगानी है, तो जो हमने पट्टी ली है ये ओरेवी पट्टी ली है हमने। इसको हम इस तरह से पूरा यहाँ से गोल घुमाकर और यहाँ तक इसको हमें सी लेना है। तो चलिए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। और इसमें पट्टी को ज़्यादा खींचना नहीं है। देखिए इस तरीके से हमने लगा ली। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर और ये पाइपिंग हमारी इस तरह से बन जाएगी। देखिए सीधी साइड हम पूरा फोल्ड कर लेते हैं और देखिए इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें चारों पीसों को रेडी कर लेना है। देखिए हमने अपने चारों पीसों को रेडी कर लिया है। देखिए इसकी पाइपिंग भी एकदम साफ बनी है। देखिए जो हमने पीस लिया था चौकोर वाला, इसके बिल्कुल हम बीच में से इस तरह से मोड़ेंगे और बीच में हमें चारों साइड पर निशान लगा लेना है। देखिए हमने इसके चारों साइड निशान लगा लिया है बिल्कुल बीच में। देखिए जो हमारा ये पीस है इसको भी हम बिल्कुल बराबर से मोड़ेंगे और बीच में इसके निशान लगा लेना है। अब देखिए सेंटर से सेंटर मिलाकर हमें इस तरह से रख लेना है। तो देखिए ये दोनों साइड हमारी एक सी आ गई हैं। इसी तरह से हम चारों पीस पे अपने निशान लगाएंगे बिल्कुल बीच में और सेंटर से सेंटर मिलाकर इस तरह से हम चारों पीसों को रख लेंगे। देखिए इधर से हमारा सेम आ गया है और बाहर की साइड से ये हमारा सेम आ गया है। देखिए अब हमें चारों साइड इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है चारों पे। तो चलिए इस पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और इस पे रखकर और इसको हमें यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें चारों पर सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने चारों साइड अपनी सिलाई लगा ली है। देखिए अब जो इसके कोने हैं, देखिए हम इस तरह से इसको मिलाएंगे और देखिए हमारा ये कोना बन जाएगा और यहाँ ऊपर से यहाँ तक हमें पूरी सीधी एक सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से मोड़ेंगे
और यहाँ पर इसके ऊपर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारा कॉर्नर बन गया है और हमने पूरी एक सीधी सिलाई लगा ली है यहाँ पर, और देखिए दोनों पट्टी बिल्कुल बराबर से मिल गई हैं। इसी तरह से हमें चारों कोनों को अपने सिल लेना है। देखिए हमने चारों कोनों को अपने सिल लिया है, और देखिए ये जो कोने निकले हुए हैं इसको हमें कट नहीं करना है। इस तरह से हम मोड़ेंगे और इसके ऊपर यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से मोड़ेंगे और ऊपर सिलाई लगा देंगे, तो चारों कोनों को हमें इसी तरह से सिल लेना है। तो चलिए इस पे भी सिलाई लगा लेते हैं हम। देखिए इस तरह से मोड़कर और हमें चारों कोनों पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने चारों कोनों को सी लिया है। देखिए अंदर से भी हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। और बस हमारी यहाँ पर पाइपिंग लगानी रह गई है, और बाकी हमारा देखिए सब तरफ से फिनिश है। तो चलिए हम इस पे भी पाइपिंग लगा लेते हैं। देखिए हमने 2 इंच चौड़ी ली है ये पाइपिंग, और ओरी भी पट्टी ली है। इसको भी हम इस तरह से लगाकर चारों तरफ लगा लेते हैं। तो चलिए इसको भी सिल लेते हैं। देखिए ओरी भी पट्टी जब लगाते हैं तो इसको हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं होता है, इसको आराम से लगाएंगे। देखिए हमने एक साइड से इसको लगा लिया है, और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, और देखिए इस तरह से मोड़ेंगे इसको, और देखिए यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इस पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमारे रोटी कवर बनकर तैयार हो गया है। अब हमारा ये चारों तरफ से फिनिश्ड है, देखिए अंदर से भी और बाहर से भी। देखिए बनाना भी बहुत इजी है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और रोटियां भी हमारी काफ़ी देर तक गर्म रहती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।